यहाँ पे लिखा है कि जैसे एक जिन देव की पूजा करने के लिए एक मेंढक गया था, उसने एक कमल का फूल तोड़ा, पर फूल तोड़ना तो हमारे इसमें जैसे पाप काउंट किया जाता है। फिर वो फूल देने के इसमें वो मरने के बाद महर्धिक देव बना, तो महर्धिक देव क्या होता है और उनकी आयु कितनी होती है? आपके प्रश्न में कुछ त्रुटि है या कुछ अज्ञान है। जैन धर्म में शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य ऐसा सूत्र है। शुभ अभिप्राय से जो मन वचन काय की क्रिया की जाती है तो उसे पाप नहीं पुण्य कहना चाहिए, क्योंकि उसे पुण्य का असर होता है। आपने प्रश्न पूछा कि मेंढक ने कमल का फूल तोड़ा और महावीर भगवान की पूजा करने के लिए गया, लेकिन उसने पूजा करने के लिए फूल तोड़ा है तो वह पुण्य की क्रिया है, क्योंकि पूजन करने का भाव शुभ भाव है, तो उस क्रिया में उसे पुण्य का आश्रय होगा। हाँ, एक अपेक्षा से ठीक है कि वनस्पति का कोई भी अंग यदि तोड़ा जाता है, चाहे वो फूल भी क्यों न हो, तो किंचित पाप का आश्रय तो फिर भी होगा, किंतु पूजा के भाव से उसमें जो महान पुण्य का आश्रय होगा उसमें किंचित पाप कुछ भी कार्यकारी नहीं रहेगा। पूजा के फल से जो पुण्य प्राप्त होगा उस पुण्य के महान राशि में फूल तोड़ने का किंचित दोष विलीन हो जाएगा, इसलिए उसे पाप नहीं कहना चाहिए। वह देव वह कमल का फूल महावीर स्वामी को चढ़ाने के कारण उस भाव से महर्धिक देव बना। महर्धिक का अर्थ है महान रिद्धियों का धारक देव, तो रिद्धि शब्द से यहाँ पर वैभव लेना चाहिए। स्वर्ग में उस देव को महान वैभव प्राप्त हुआ। पुनः पहले की बात की ओर थोड़ा सा संकेत करते हैं कि महान वैभव की प्राप्ति हुई, स्वर्ग में देव बना, यह सब पुण्य का फल ही हो सकता है, पाप का नहीं। तो स्पष्ट है कि मेंढक यदि कमल का फूल तोड़कर महावीर स्वामी की पूजा करने के लिए गया तो उसने पुण्य ही किया है, पाप नहीं। यदि उसमें पाप होता तो वह मेंढक नरक में जाता या तिरंज गति में जाता, किंतु वह देवगति को गया और उसमें भी महान वैभव का धारक देव बना। इसका अर्थ है कि उसका पूजा के लिए फूल तोड़ना पाप के लिए नहीं था, पुण्य के लिए था। ओम।